दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च होने के बाद में एयरटेल ने एक ऑफर लॉन्च किया था जो कि स्पेशल रेडमी नोट 7 प्रो के लिए था। और उसके बाद में आज की डेट में यहाँ पर जियो ने फिर से एक प्लान लॉन्च कर दिया है जो कि ओनली रेडमी नोट 7 प्रो पे वर्क करेगा। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोनों में से एयरटेल बेस्ट है या तो जियो बेस्ट है, डिटेल में आपको कौन सा प्लान ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एयरटेल ने जो प्लान लॉन्च किया था वो था 249 का। और 249 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको मिल रहा था 4GB डाटा पर डे, वो भी 28 डेज के लिए। ये था एयरटेल का प्लान। और उसके बाद में जस्ट आज ही जियो ने यहाँ पर एक प्लान लॉन्च कर दिया है, वो है 398 रुपीज़ का। जो 398 रुपीज़ का प्लान है वो प्लान है 70 डेज के लिए, बट उसमें डाटा आपको मिलेगा 4GB डाटा पर डे। यानी कि एयरटेल से काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पर जियो की तरफ से मिलेगा, 4GB डाटा पर डे 398 रुपीज़ में, वो भी कम्प्लीटली 70 डेज के लिए। 70 डेज के लिए ऑफर आपको जियो की तरफ से मिलता है। अगर आप एक साल की अगर बात करोगे, एक साल में अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो एक साल में अगर देखा जाए तो आपके जियो की तरफ से जाएंगे 1592 रुपीज़। और अगर आप रिचार्ज करते हैं एयरटेल का तो एयरटेल में आपको देना होगा 2490 रुपीज़। और यहाँ पर बेनिफिट की अगर देखा जाए बात, तो यहाँ पर मोस्टली तो आपको जियो 50% अबव, यानी कि जियो की तरफ से अगर देखा जाए तो आपकी टोटल सेविंग होगी 900 रुपीज़ की। अगर आप जियो का यूज़ करते हैं तो 900 रुपीज़ का आपको टोटल सेविंग होने वाला है। तो आपको अगर देखा जाए तो बेनिफिशियल प्लान अगर देखा जाए तो जियो का ही है, और जो कि आपको अच्छा खासा स्पीड भी देता है। जियो हर जगह पे नेटवर्क आ जाता है, बट एयरटेल का भी आ जाता है 4G का नेटवर्क, बट एयरटेल की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी 3G पे चला जाता है, कभी 4G पे आ जाता है, बट जियो में आपको ऐसा नहीं होगा। बट अगर आपके लोकेशन पे एयरटेल का अगर नेटवर्क अच्छा है तो एयरटेल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके बेनिफिट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जियो ही देने वाला है। और जियो के आपको उसके बाद में जियो के जब भी आप रिचार्ज करोगे उसके बाद में आपको कूपन्स भी मिलेंगे, जो कि रिचार्ज के वाउचर भी मिलेंगे, तो आपको रिचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जियो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जियो का अगर आप रिचार्ज करते हैं 398 रुपीज़ का, तो उसमें आपको डबल डाटा मिलेगा, यानी कि आपको 4GB डाटा पर डे के लिए मिलेगा 70 डेज के लिए। अगर आप एयरटेल का करते हैं 249 का, तो आपको 4GB डाटा पर डे मिलेगा, बट ओनली 28 डेज, यानी कि 28 डेज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट प्लान अगर मेरे हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि आपके लिए जियो का ही बेस्ट है। उसमें आपकी सेविंग होगी कम्प्लीटली 900 रुपीज़ की सेविंग यहाँ पर होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का प्लान था। इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं या आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।